हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एमईके का चैप्टर 7 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए, सीप पर क्या होता है कि जैसे सीप में आप रहिएगा तो उसमें सीप में आपका फूड राशन होता है, प्रोविजन स्टोर बोलते हैं, उसमें एकोमोडेशन होता है। तो उस चीज़ में उसको ठंडा करने के लिए कुछ जिसको आप नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं फ्रिज। तो सीप पर में भी फ्रिज होता है, तो फ्रिज में जो सिस्टम काम करता है उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो सीप में जैसे आपका एकोमोडेशन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वेजिटेबल रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, फिश रूम और मीट रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सब रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। और ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इंचार्ज कौन होता है, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है उसका इंचार्ज जो होता है वो सेकेंड इंजीनियर होता है। ठीक है, सेकेंड इंजीनियर के अंडर ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम आती है। तो चलिए, हम लोग जीपी रेटिंग के अकॉर्डिंग जितना क्वेश्चन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से आता है उतना हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर क्या है। देखिए, हीट एक्सचेंजर जो होता है वो नॉर्मली एक प्रकार का इक्विपमेंट होता है, वो जो क्या करता है, टू लिक्विड यानी दो लिक्विड के हीट को एक्सचेंज कर देता है, यानी ठंडा को गर्म कर देता है, गर्म को ठंडा कर देता है बिना मिक्सअप किए हुए। जैसे मान लीजिए कि एक हीट में आपका एक साइड में आपका वाटर रख दिया गया, एक साइड में लू बॉयल रख दिया गया, तो वाटर को गर्म कर सकता है, लू बॉयल को ठंडा कर सकता है, या लू बॉयल को ठंडा कर सकता है, वाटर को गर्म कर सकता है, या वाटर को गर्म कर सकता है, लू बॉयल को ठंडा कर सकता है। तो वो दोनों लिक्विड को एक साथ ठंडा या गर्म कर सकता है बिना मिक्सअप, यानी बिना वो लू बॉयल और ठंडा बिना मिक्सअप हुए हुए ठंडा और गर्म हो सकते हैं। तो उसी का काम होता है हीट एक्सचेंजर का। तब हीट एक्सचेंजर का हम लोग डिफिनेशन कैसे देंगे कि व्हाट इज हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर इज एन इक्विपमेंट विच कैन हीट एक्सचेंज बिटवीन टू प्लेस विदाउट गेट मिक्सअप। यानी हीट एक्सचेंजर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो दो लिक्विड के हीट को एक्सचेंज कर देता है एक से दूसरे में, जैसे गर्म को ठंडा कर देगा, ठंडा को गर्म कर देगा बिना मिक्सअप हुए, यानी वो दोनों लिक्विड बिना मिक्सअप हुए है हीट अपना एक्सचेंज कर लेते हैं। तो हीट एक्सचेंजर इज एन इक्विपमेंट विच हीट एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन टू लिक्विड विदाउट गेट अप मिक्सअप। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, हीट एक्सचेंजर इज एन इक्विपमेंट विच टेक हीट एक्सचेंज टेक टू प्लेस बिटवीन विदाउट गेट अप मिक्सअप। ठीक है, नंबर दो की बात कर लें, नेम द ऑक्सिलरी इंजन। आपको बताना है कि कुछ ऑक्सिलरी इंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, सॉरी, ऑक्सिलरी मशीनरी कौन कौन से हैं। तो देखिए, मेन इंजन को छोड़कर बाकी जितनी मशीनरी आती हैं वो सब हेल्पिंग मशीनरी होती है, जिसे ऑक्सिलरी मशीनरी कहते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका उसमें आपका हीट एक्सचेंजर हो जाएगा, ऑयली वाटर सेपरेटर हो जाएगा, पंप हो जाएगा, बॉयलर हो जाएगा, इंसिनरेटर हो जाएगा, ये सब क्या है आपका, प्यूरीफायर हो जाएगा, पंप हो जाएगा, एयर कंप्रेसर हो जाएगा, ये सब क्या है आपका, तो ऑक्सिलरी मशीनरी है। फिर से सुन लीजिए, ऑक्सिलरी मशीनरी में क्या आएगा, तो ऑक्सिलरी मशीन में आपका एयर कंप्रेसर आ जाएगा, बॉयलर आ जाएगा, प्यूरीफायर आ जाएगा, हीट एक्सचेंजर आ जाएगा, पंप आ जाएगा, इंसिनरेटर आ जाएगा, ऑयली वाटर सेपरेटर आ जाएगा, ये सब आपका ऑक्सिलरी मशीनरी है। नंबर तीन की बात करें, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बोल रहा है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वो कौन से कंपोनेंट है जो उसमें होना ही चाहिए, उसके बिना रेफ्रिजरेशन सिस्टम का काम नहीं चल सकता है। तो वो तीन कंपोनेंट आपको याद करना पड़ेगा, एक आपका होता है कंप्रेसर विथ मोटर, दूसरा होता है आपका इवापोरेटर, और उसके बाद तीसरा जो होता है वो आपका होता है कंडेंसर। ठीक है, तो तीन चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, कंप्रेस विथ मोटर, उसके बाद आपका होता है इवापोरेटर क्वाइल, और उसके बाद आपका होता है कंडेंसर। ठीक है, तीन चीज़ें रेफ्रिजरेशन सिस्टम में चाहिए ही चाहिए, एक आपका कंप्रेसर विथ मोटर, उसके बाद जो दूसरा आपको चाहिए वो आपका चाहिए कंडेंसर, और जो तीसरा चाहिए उसको बोलते हैं इवापोरेटर कॉइल। ठीक है, तो ये चाहिए। व्हाट विल बी चेक इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज अ ऑपरेट। बोल रहा है कि जब रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, जब चल रहा है, तो उसमें आपको क्या चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी मशीन चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ चेक करना पड़ता है। तो ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम चल रहा है तो इसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम चल रहा है तो उसमें मेनली हम क्या क्या चेक करते हैं, तो सक्शन प्रेशर, डिस्चार्जिंग प्रेशर। पहले सक्शन प्रेशर चेक करेंगे, उसके बाद डिस्चार्जिंग प्रेशर चेक करेंगे, लू बॉयल प्रेशर, लू बॉयल लेवल। ठीक है, उसका रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लू बॉयल का प्रेशर क्या है, और लू बॉयल का लेवल क्या है और प्रेशर क्या है, वो भी चेक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करेंगे, मोटर लोड चेक करेंगे, उसके बाद एनी मोटर लोड के साथ साथ ऑल रूम टेम्परेचर का भी चेक करेंगे कि टेम्परेचर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो क्या क्या हमने चेक किया रेफ्रिजरेशन सिस्टम में,
सक्शन प्रेशर, डिस्चार्जिंग प्रेशर चेक कर लिया हमने, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्जिंग प्रेशर। उसके बाद लूब ऑयल प्रेशर, लूब ऑयल लेवल, ठीक है ये चेक कर लिया। उसके बाद ऑल रूम टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद मोटर लोड, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को चेक करनी पड़ेगी। अब देखिए नंबर पाँच की बात कर रहे हैं, नंबर पाँच जो लिखा हुआ है आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर मेंटेनेंस, अब देखिए इसको मैंने आंसर ही लिख दिया है आपसे, ये एमसीक्यू में पूछता है। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 23 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इससे टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। आप अपना मेंटेन कर सकते हैं गर्मी में ठंडी में आपके हिसाब से। फ्रीज, जो फिश रूम है जिसमें आप मीट या फिश रखते हैं उसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। याद रखिएगा प्रोविजन स्टोर का टेम्परेचर कितना होता है, तो -80 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए प्रोविजन स्टोर में अकेले आदमी नहीं जाता, एक के साथ दूसरा कोई जाता है फिश रूम में। वेजिटेबल रूम का टेम्परेचर कितना हो गया है, तो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा एमसीक्यू में आता है। एकोमोडेशन का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस, फिश रूम का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस, वेजिटेबल रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं हम लोग नंबर 6 की तरफ। लिखा हुआ है व्हाट इज द हाइड्रोफोर सिस्टम। मैंने हाइड्रोफोर सिस्टम आप लोगों को पढ़ाया था जब एयर कंप्रेसर पढ़ा रहा था, चार्जिंग फॉर हाइड्रोफोर सिस्टम। तो एक्चुअली हाइड्रोफोर सिस्टम होता क्या है, इसमें हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोफोर सिस्टम क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोफोर सिस्टम एक प्रकार का क्या होता है, तो ये एक प्रकार का इक्विपमेंट होता है, ये एक प्रकार का सिस्टम होता है, ठीक है। इसको आप सिस्टम भी बोल सकते हैं, जो क्या करता है कि वाटर को हेवी फोर्स से सप्लाई करता है डोमेस्टिक यूज के लिए। तो हाइड्रोफोर सिस्टम इज अ सप्लाई वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज एंड देन सिस्टम इज यूज फॉर द कंप्रेस्ड एयर। आप किस तरह बोल सकते हैं, हाइड्रोफोर सिस्टम इज यूज फॉर सप्लाई वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज एंड ये किस सिस्टम पर ये कैसे चलता है, तो कंप्रेस्ड एयर पर चलता है, ठीक है। हाइड्रोफोर सिस्टम इज द सप्लाई वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज, बस इतना बोलिएगा आपका काम हो जाएगा। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द फ्रेश वाटर जनरेटर, जो शिप पर फ्रेश वाटर जनरेटर होता है, क्योंकि फिश पर अगर हम लोग शिप पर जाते हैं तो सी पर हम लोग जाएंगे तो पीने के लिए पानी चाहिए, तो उसके लिए फ्रेश वाटर कहाँ से लाना पड़ेगा, समुद्र का पानी तो नमकीन होता है, तो दरिया का पानी हम लोग पी नहीं सकते हैं। तो उसके लिए एक सीप पर फ्रेश वाटर जनरेटर करके मशीन होती है, जो क्या करता है समुद्र के पानी से, क्या करता है समुद्र के पानी से हम लोग को पूरा मीठा पानी बनाकर देता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर सीप पर फ्रेश वाटर जनरेटर रहता है तो उसका क्या कहना है, फंक्शन ऑफ फ्रेश वाटर जनरेटर मैंने बता दिया था, फ्रेश वाटर जनरेटर इज जनरेट फ्रेश वाटर फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से फ्रेश वाटर को कन्वर्ट करता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, अगर शिप पर रहेगा तो क्या फ़ायदा है, तो आप अपने मन से बता सकते हैं कि फ्रेश वाटर शिप पर रहेगा तो हमको फ्रेश वाटर देगा, उसके साथ साथ ये हमको बनाकर वाटर देगा, उसके साथ साथ शिप पर जितना पानी लेकर चलते हैं वो हमारा एरिया सेफ रहेगा, उसमें हम लोग कार्गो लेड लेकर चल सकते हैं। उसके बाद हम लोग को कोई खर्चा नहीं लगेगा, पोर्ट से जाकर पानी खरीदने का कोई खर्चा नहीं लगेगा। तो एडवांटेज इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो शिप कैरी इन ए मोर कार्गो इन ए प्लेस ऑफ वाटर, शिप कैरी मोर कार्गो इन ए प्लेस ऑफ वाटर, पहला एडवांटेज हुआ शिप कैरी मोर कार्गो इन ए प्लेस ऑफ वाटर। वाटर जितना हम शिप पर लेकर चलेंगे पीने वाला, उतना हम लोग दरिया में ही जाकर क्या कर लेंगे, फ्रेश वाटर जनरेटर से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो उतना जगह हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और उतना जगह पर हम लोग आसानी से कोई कार्गो लेकर अपना सामान लेकर जा सकते हैं। तो शिप कैन कैरी मोर कार्गो इन ए प्लेस ऑफ वाटर। दूसरा एडवांटेज क्या होगा, सेव द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग वाटर, सेव द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग वाटर, यानी जो हम वाटर कहीं दूसरे स्थान से खरीदेंगे तो उसमें पैसा लगेगा, तो वो पैसा को क्या कर देगा, बचा देगा। प्रोडक्शन कॉस्ट इज नील, जो हम लोग का फ्रेश वाटर बनाने से, फ्रेश जो हम लोग सी वाटर से फ्रेश वाटर बनाते हैं उसमें एक भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या हो जाता है, तो नील हो जाता है। अ वेरी हाई क्वालिटी वाटर कैन बी प्रोड्यूस, वेरी हाई क्वालिटी वाटर कैन बी प्रोड्यूस, ये क्या करता है, इतना अच्छा पानी फ्रेश वाटर जनरेटर इतना अच्छा पानी आपको बना देता है कि उतना अच्छा पानी आप पंपिंग से भी नहीं निकाल सकते हैं। तो चार चीज़ हुआ, शिप कैन कैरी मोर कार्गो इन ए प्लेस ऑफ वाटर, सेव द परचेसिंग, सेव द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग वाटर, प्रोडक्शन कॉस्ट इज नील, वेरी हाई क्वालिटी वाटर कैन बी प्रोड्यूस। तो इतना मैंने आपको बता दिया। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, तो इसमें देखिए कि जो आपको अच्छा लगे उसको लाइक कीजिए, ख़राब लगे तो कमेंट कीजिए कि इसमें क्या गलती थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।